नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर्स क्लासेस में। आज हम CA फाउंडेशन 2019 की पेपर थ्री में से कुछ सम्स करने वाले हैं। पेपर थ्री में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कुछ सम्स होते हैं। हमने पहले भी कई सारे सम्स किए हैं CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन के, और आज हम उन वीडियो का ही कॉन्टिन्यूएशन कर रहे हैं। आपको पता है कि CA फाउंडेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि एक एंट्रेंस लेवल है फॉर दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। पहले यह कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब CPT के नाम से जाना जाता था, अब यह CA फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज का पहला सम देख लेते हैं। ये रहा आज का पहला सम आपके सामने। यहाँ पर तीन मैट्रिक्स दिया गया है और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके इसके साथ इस मैट्रिक्स को इक्वेट करके हमें एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करना है, और ये सभी 2x2 मैट्रिक्स है मतलब दो रो दो कॉलम से, ठीक है। और इक्वेट करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई 1 1, एक्स माइनस वाई यहाँ पर है 2 3 2 माइनस 4, यहाँ पर है 12 4 3 0, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 4 3 0, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स एडिंग जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि समझिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, और दूसरा मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। तो इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट का ऐड होगा मतलब A11 प्लस B11, इसके साथ इसका होगा A12 प्लस B12, इसके साथ इसका होगा मतलब A21 प्लस B21, और A22 के साथ होगा B22 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस 4 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 12 4 3 0। तो हमें जो दो इक्वेशन मिलता है वो मतलब हम अगर इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस वी गेट तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 एंड एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये दो इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 12 एंड दूसरा जो है वो है एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल्स टू 14, मतलब x का जो वैल्यू है वो है 7। एंड अगर x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, समझो कि इस इक्वेशन में अगर x के जगह 7 रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 माइनस 4 3, दैट इज़ y इक्वल्स टू 3। तो x का जो वैल्यू है वो है 7 एंड y का जो वैल्यू है वो है 3।
बहुत ही आसान सा सवाल था, तो चलिए देख लेते हैं। एक्स का जो वैल्यू है वो है 7 एंड वाई का जो वैल्यू है वो है 3, मतलब डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो डी है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, देन इक्वेशन के दो मैट्रिक्स को कंपेयर करके हमने दो इक्वेशंस निकाले, ये दो इक्वेशंस निकाले, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है वो निकाले। तो यहाँ पर हम लिख देते कि डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। जो दूसरा सम है वो ये है, यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं और हमें इसका सोल्यूशन से ढूंढना है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस है और इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हमें इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो एंड दूसरा जो है वो है टू एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस टू एंड दूसरे वाले से हम लिख सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री। मतलब एक्स अगर ये एक नंबर लाइन है जहाँ पर ये ज़ीरो है तो थ्री कुछ यहाँ पर होगा और माइनस टू कुछ यहाँ पर होगा। मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि माइनस टू से बड़ा है एंड थ्री से भी बड़ा है। तो मतलब एक्स को हम थ्री से बड़ा है ये लिख सकते हैं, अगर माइनस टू से बड़ा है तो माइनस टू एंड थ्री दोनों से बड़ा है तो हम तो इनमें से जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा है ये यही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो थ्री टू इन्फिनिटी होगा, मतलब बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं कि बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।